किसान भाइयों राम राम। मैं हूँ मीठालाल सैनी रामसर। मैं आपको आज मकरे की खेती के बारे में बताने के लिए आज मकरे के खेत पे आया हुआ हूँ। देखिए कि आज हम मकरे की पैदावार कैसे करते हैं और कैसे हमने ये मकरे इतने बड़े बड़े, देखो इतने बड़े बड़े मकरे आते हैं हमारे खेत में। सारी खेती ऐसे सारे, देखो लेबर लगी हुई, गाड़ी भरी हुई है। और इस खेती में हमारे सारा ने एकड़ खेती लगाई है और एकड़ खेती के अंदर हमने इसको 5 भागों में बांट रखा है। और ये 5 भागों में हमने इसको कैसे कैसे करके लगाया है उसके बारे में मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ। पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे खेती के अंदर कौन कौन सी खाद हम डालते हैं, खेती की तैयारी कैसे करते हैं और कैसे इसमें सिंचाई और कैसे इसमें पानी वानी की व्यवस्था करते हैं। हम आपको बताते हैं किसान भाई, सबसे पहले खेती को करने से पहले सब एकदम पहले पूरी खेती की जुताई करते हैं। जुताई करने के बाद पूरी प्लान करके इसमें अपने क्यारी और जैसे बने थे सारी मेड़बंदी करते हैं। मेड़बंदी करने के बाद में इसमें जो सारी खादें आती है, जैसे तो किसान भाइयों खेती करने के लिए सबसे पहले गोबर वाली खाद यूज करते हैं। गोबर वाली खाद अगर नहीं होती है तो हम जैविक जैसे रासायनिक खाद इसमें डालते हैं। रासायनिक खाद के अंदर भी हम इसके अंदर राखंडा, जैसे उसको बोलते हैं सुपरफास्फेट, देसी भाषा में राखंडा बोलते हैं। और वैसे एक होता है DAP डाइअमोनियम फास्फेट, और दूसरा खाद इसमें पोटाश डालते हैं। एक बार किसान भाइयों आपको यह बता दें हम कि पोटाश और ये सारी खाद की जो मात्रा है वो हम कितनी कितनी परसेंटेज इसमें कितनी कितनी डालते हैं, तो आपको हम पूरे एकड़ का हिसाब बताते हैं। पूरे एकड़ के अंदर हम कम से कम इसके अंदर 100 किलो सुपरफास्फेट, 50 किलो DAP और 50 किलो इसमें पोटाश की मात्रा डालते हैं। ये सारी मात्राएं डालने के बाद इसकी एकदम सारी मिलावट कर देते हैं, मिलावट और इसकी मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद हम अपने मकीरे के बीज लेते हैं। अब आपको ये बता दें कि हम मकीरे के बीज इसमें कौन से यूज किए। हमने मकीरे के बीज इसमें एक कैरेक्स होता है जो 135 के नाम से मिलता है, वो बाज़ार में काफ़ी करने के बाद में 20 से 25 दिन तक उसमें कोई पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है। धीरे धीरे जब पेड़ पर थोड़ा फुलावट और उसे आता है तो इसमें पानी लगाते हैं। पानी लगाने के बाद इसे थोड़ा अगर कीटनाशक की जरूरत पड़े तो कीटनाशक भी लगाते हैं, अगर जरूरत नहीं पड़े तो कोई जरूरी नहीं होती। इसके बाद में किसान भाइयों जैसे इसमें थोड़ी थोड़ी लताएँ शुरू हो जाती है तो लताएँ होती है तो उसके बाद में हम पानी की इसमें प्रचुर मात्रा में तरबूज की खासियत होती है कि इसमें पानी एकदम घना घना नहीं होना चाहिए और पानी इसमें थोड़ा थोड़ा देते हैं, पर 2-3 दिन छोड़ कर इसमें पानी देना चाहिए, उससे ये अच्छा डेवलप होता है और धीरे धीरे इसके अंदर फिर फल चला आना चालू हो जाता है। फल चालू होने के बाद में इसको उसने काफ़ी मात्रा में पानी चाहिए होता है। अब पानी देने के बाद में सड़क होकर बड़ा हो गया तो उसके बाद में इसका पकाव लगभग करीब 70 दिन के बाद आता है और 70 दिन के बाद में ये खेती टूटना चालू होती है। 70 दिन के बाद में हमारे जो खेती के अंदर जो उत्पादन हुआ है वो आपको चौंकाने वाला है। उत्पादन हमारा 300 कुंटल के आसपास है और 300 कुंटल का आप आइडिया लगाओ तो एकड़ में लगभग आज हमारे मतीरे 7 रुपये से लेकर 9 रुपये 10 रुपये तक बिके हैं, तो हमारे मतीरों का कीमत लगभग 2 लाख के ऊपर जाता है। तो किसान भाइयों ऐसी अगर ये खेती हम और दूसरी खेती के अंदर नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको हम सलाह देते हैं कि आप मतीरे की खेती कीजिए और अच्छी क्वालिटी का बीज लगाइए, अच्छी क्वालिटी लगाइए, अच्छी पैदावार दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आए इसको हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।